नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। अभी मैं मौजूद हूं स्टेट म्यूजियम राजधानी भोपाल में। दुनिया भर में जितने भी स्टेट्स म्यूजियम हैं, जैसे अगर बात करें अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो भी देवी देवताओं हैं उनकी वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, उन्हीं मूर्तियों को लेकर हमारे स्टेट म्यूजियम में प्रदर्शनी लगी गई है, फोटो प्रदर्शनी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये अर्ध नारीश्वर है, ये विक्टोरिया एंड आल्बर्ट संग्रहालय इंग्लैंड के म्यूजियम में ये हमारी मूर्ति रखी हुई है। इसका फोटो आप देख सकते हैं स्टेट म्यूजियम में। और इधर देखें तो आप, ये वृषभ है, ये अस्मोलियम संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में। और यहाँ पर देखेंगे तो एशियन कला संग्रहालय सान फ्रांसिस्को अमेरिका, ये अमेरिका में, ये नंदी की फ़ोटो है ये। और ऊपर देखेंगे तो एक और नंदी की फ़ोटो आपको मिलेगी, ये तीसरी शताब्दी की फ़ोटो है, जो कि जम्मू कश्मीर में ये फ़ोटो थी, फिर लॉस एंजलिस कला संग्रहालय अमेरिका में, जो कि समय मौजूद है ये मूर्ति। और यहाँ पर देखेंगे भगवान कार्तिकेय की है, ये अस्मोलियम संग्रहालय ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में ये प्रतिमा रखी हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी कार्तिकेय की ही है, ये शिकागो आर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में, ये अमेरिका में रखी हुई है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये ऑक्सफोर्ड में है, ये कार्तिकेय की है। और यहाँ पर देखेंगे तो शिव, ये 5वीं शताब्दी ईस्वी की है, मध्य भारत काल की, शिव नटराजन की है, ये आप चित्रकारी देखेंगे। और यहाँ पर भी हम देखेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये नेत्र शिव है, ये हर्मिटेज संग्रहालय रूस में है, रसिया में है, ये 5वीं से 6वीं शताब्दी ये ईस्ट बिहार में इस मूर्ति का बनाया गया था। और यहाँ पर देखेंगे शिव मस्तिष्क है, जो कि चंडीगढ़ संग्रहालय हमारे इंडिया में ही मौजूद है। और यहाँ पर 5वीं और 6वीं शताब्दी की भी है, भगवान गणेश की है, ये गणेश की प्रतिमा है, ये किम्बेल आर्ट म्यूजियम टेक्सास अमेरिका में है। और यहाँ भी देखेंगे भगवान शिव की, ये भी एक प्रतिमा है, ये 6वीं शताब्दी की प्रतिमा है, ये डेनवर कला संग्रहालय अमेरिका में है। और ये पर जितनी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विदेशों में जो म्यूजियम है, जो अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, कुछ नेपाल हैं, वहाँ ये मूर्तियाँ रखी गई हैं और ये स्टेट म्यूजियम में इनकी प्रदर्शनी चल रही है। ये देखेंगे भगवान शिव की है, ये 13वीं शताब्दी की जो है, ये पीटर्सबर्ग संग्रहालय रसिया में रखी हुई है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये भगवान शंकर की ये मूर्ति है, जो कि इस समय रसिया के म्यूजियम में जो है अभी स्थित है। और यहाँ भी देखेंगे ये भगवान भैरव की है, 13वीं शताब्दी की, ये फिलाडेल्फिया कला संग्रहालय अमेरिका में मौजूद है। यहाँ पर भी देखेंगे भगवान नंदी की, ये 13वीं शताब्दी की, डल्लास कला संग्रहालय अमेरिका में भी है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ये देखिए आप, अमेरिका में हैं भगवान देवी पार्वती की, ये देवी पार्वती की मूर्ति है, ये मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और यहाँ पर भी देखेंगे भगवान शिव की, ये 12वीं शताब्दी की जो है, एशियन कला संग्रहालय सान फ्रांसिस्को अमेरिका में ये आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर भी देखेंगे ये भगवान गणेश की है, ये भगवान गणेश की जो आप तस्वीर आप मूर्ति देख रहे हैं, ये 12वीं शताब्दी की है, विट्रेस संग्रहालय इंग्लैंड में ये अभी मौजूद है। और भी बहुत सारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगाई गई है, फ़ोटो है। आप जितनी भी यहाँ पर आप फ़ोटो देखेंगे, ये अलग अलग देशों के म्यूजियम में रखी गई हैं। यहाँ पर तो केवल जो है आपको जो है इस फ़ोटो प्रदर्शनी को ही देखने को मिलेगा। और यहाँ भी देखिए, ये भगवान गणेश की है, 9वीं शताब्दी की है, ये आपको मूर्ति देखने को यहाँ मिलेगी। ये चांग संग्रहालय वियतनाम से है, ये वियतनाम में रखी हुई है फ़ोटो। और यहाँ पर देखेंगे चतुर्भुजी दुर्गा, ये दुर्गा माँ की फ़ोटो, जो कि मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में अमेरिका में है। और यहाँ भी देखेंगे तो ये हमारे भारत में है, ये शिव पार्वती की एक मूर्ति है, जो कि 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी, इस समय जो जम्मू कश्मीर के एक म्यूजियम में जो है स्थित है। यहाँ पर भी देखेंगे बीड़ाधर शिव, अगर हम आमतौर पर देखें तो जो भगवान शिव की ये बीड़ाधर जो है मूर्ति बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बीड़ाधर है, बीड़ाधर शिव है, ये 10वीं शताब्दी में बनी गई थी। और ये फाइन आर्ट म्यूजियम बोस्टन USA में है फ़ोटो मौजूद। और भी यहाँ तमाम चीज़ें हैं, तमाम फ़ोटो हैं, देख लीजिए। जैसे कि ये संयोग ये अबू धाबी में है, UAE में है, नेत्रत शिव की है, 10वीं शताब्दी में ये इस फोटो को इसको बनाया गया था, इस मूर्ति को बनाया गया था, लम्बरू संग्रहालय अबू धाबी, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में इस मूर्ति अभी म्यूजियम में यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अष्टभुजी नृत्य गणेश हैं, फ्रांसिस्को अमेरिका में मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पर भी देखेंगे अर्धनारीश्वर भगवान शिव की है। और यहाँ पर आप तमाम फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फ़ोटो गैलरी यहाँ पर लगाई गई है, दुनिया भर में जितने भी म्यूजियम्स हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे अमेरिका से है, ये एक सर्वोच्च शिक्षक हैं शिव की जो है, यहाँ पर एक ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर नेपाल में है,
अर्धनारीश्वर संग्रहालय, संग्रहालय काठमांडू नेपाल में यह है मूर्ति अभी स्थित है। यहाँ पर भी देखेंगे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। मैं आपको बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखिए अर्धनारीश्वर की यह 11वीं शताब्दी में आर्ट गैलरी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम में ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये अमेरिका है, ये भी अमेरिका। ज़्यादातर देखें कि अमेरिका के जो म्यूजियम्स हैं, हमारे जो मूर्तियां हैं, हमारे जो प्राचीन काल में 10वीं शताब्दी या उससे नीचे की अगर हम बात करें, ज़्यादातर अमेरिका के ही म्यूजियम में आपको ये सब जो है मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ आप जो है फ़ोटो के माध्यम से इस स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं। और ये देखिए पुत्रों के संगे माँ पार्वती की मूर्ति है, ये गणेश हैं, और देखेंगे ये भी कार्तिकेय हैं। ये ब्रिटिश संग्रहालय इंग्लैंड में आपको ये मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी है नटराज की है, 11वीं शताब्दी में ब्रिटिश शताब्दी में इस मूर्ति को बनाया गया था, जो कि समय जो है इंग्लैंड के जो है ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। यहाँ पर देखेंगे अमेरिका है, ये भी अमेरिका है। तमाम फ़ोटो आप देख सकते हैं ज़्यादातर। यहाँ जर्मनी देखिए, ये रिद्धि सिद्धि गणेश जी की है, जो कि सन 1164 ईस्वी में बनाया गया था, और ये जर्मनी के जो है बर्लिन संग्रहालय में फ़ोटो रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट म्यूजियम है, तमाम देशों के जो हमारे भारतीय संस्कृति से जो जुड़े जो हमारे देवी देवता हैं, उनकी जो है आपको मूर्तियाँ वहाँ देखने को मिलेंगी।